लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ, मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया, तू कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, कल वाला मैच डीके और वीके को याद रखेगी पंजाब आने वाले नेक्स्ट मैच तक। भैया, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, जाके पहले हाईलाइट देखो तब पता चलेगा कैसे हर्षल भाई को पर्पल भाई बना दिया और ये काम किया डीके ने, इन्होंने पूरे पंजाब को थोड़ी सी गर्मी जरूर महसूस करा दी। पापा, बहुत गर्मी लग रही है। तो बेटा, मैं क्या कर सकता हूँ अब इसमें। भाई, ये बंदा अपने आखिरी टाइम पर मजाक कर रहा है। इसने आईपीएल स्टार्ट होने से पहले कहा कि ये मेरा आखिरी आईपीएल हो सकता है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये T20 वर्ल्ड कप की तैयारी में जुटा हुआ है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। क्योंकि कल इसने 10 बॉल पर 28 रनों की जो शानदार पारी खेली है, उसकी वजह से पूरे पंजाब स्क्वाड में बस एक ही बात चल रही थी, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। इसीलिए तो अब सवाल उठ रहा है कि फिनिश या फिर फिनिशर। दोस्तों, इस पारी के बाद बीसीसीआई का कुछ हाल इस तरह है। मैं क्या सोचूं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा ना दिमाग नहीं चल रहा है। क्योंकि बीसीसीआई ने कहा कोहली धीमा खेलते हैं, इसीलिए उनकी टीम में जगह नहीं बनती है। तो भैया, कल क्या था जाकर पंजाब वालों से पूछो। जा पूछ क्या, जलवा है हमारा। क्योंकि जहां मैटर बड़े होते हैं तो वहां विराट कोहली खड़े होते हैं, इसीलिए तो आरसीबी 5 बॉल रहते ही मैच जीत गई। इसमें कहीं ना कहीं माहीपाल रोमरोर का भी हाथ रहा। भैया, वर्ल्ड कप को जिसके नाम से प्रमोट किया जा रहा है, उसी को टीम में नहीं लिया जा रहा है। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, सिलेक्टर सिलेक्ट नहीं करते, स्टैट सिलेक्शन देते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।